की नजर एक शायर की जुबान क्या कहेगी इस जो वर्तमान में चल रही परिस्थितियां हैं, सियासत और अगर होली के रंग को जोड़ें तो शायर किस नजरिए से देखेगा? पहले तो होली की शुभकामनाएं सबको। सियासत से शायरी का बहुत ज़्यादा संबंध जाहिर नहीं है। शायर वैसे भी डरा हुआ रहता है सच बोलने की उसकी आदत है, मगर आज का जो परिदृश्य है उसमें शायर भी सहमा हुआ है, कुछ हिम्मत नहीं होती उसके कहने की। हम तो रंगों की खूबसूरती और रंगों की पवित्रता पर बात करने के लिए आपके साथ हैं। जिंदगी की बहार होली में, देख तो आके यार होली में, सब सितारे शुमार करते हैं, हम करें दिल शुमार होली में। होली की इस पवित्रता है उस पर हम बात करें तो ज़रूरी है। बेनियाजी का दिखावा है मगर होली में, तितलियां फूल पे रखती हैं नज़र होली में। तो होली में सियासत हावी है मगर हम लोग चाहते हैं कि रंग हावी रहे सब पर। जैसे अभी भाई ने हमारे कहा कि सब रंगों में घिरे हुए, पता असल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोशिश करें कि हम सब लोग लोगों के असल चेहरे देखें, असली पहचान करें। जिस तरह रंग असली हैं उसी तरह चेहरे भी असली दिखाई दें। तो अंजुम जी कहते हैं कि चेहरे असली हों, कलर कोई भी लगा हो। बख्शत जी कहते हैं होली में जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो गिले शिकवे सियासत में और बढ़ गए। होली का त्यौहार तो प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है, तो मशहूर गाना भी है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो ये और मध्य प्रदेश की जो सियासत रही है वो हमेशा से ही बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही है। दल बदल विचारधारा से को लेकर जो है वो बदलाव होते रहते हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी धनंजय जी ने बताया लगभग 16,000 तो इधर से उधर जा चुके हैं, और ये जो बहाव है वो एक तरफा ही दिख रहा है, दूसरी तरफ नहीं दिख रहा है। टारगेट दे दिया है आपकी बार 400 पार, उस 400 पार को पार करने के लिए मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों को टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, उनकी रणनीति में उन्होंने बदलाव किया है कि हम सारी 29 की 29 सीटों पर जोर नहीं लगाते हुए कुछ टारगेटेड सीटों पर ही अपना जोर लगाएंगे। तो उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। तब होली के बाद जो रंगपंचमी का त्यौहार है उस पर गेर निकलती है, तो अब देखते हैं कि इस बार गेर जो है वो किस तरफ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, गेर किस तरफ उड़ती है ये देखना होगा। जगदीप जी अगर हम जिक्र करें, ठीक है अभी जो सियासत चल रही है, दल बदल की भी बात बहुत सारी हुई, कहते हैं कि चेहरे कलर के पीछे कम से कम असली होना चाहिए जो भी अंजुम जी कह रहे थे, लेकिन सियासत का तो चेहरा ही कुछ और होता है, देखने का कुछ और, पीछे कुछ और, करने वाला कुछ और। सियासत तो ऐसी ही होती है, अब तो हो ही गई है कि आप सामने से पहचान ही नहीं सकते कि जो कलर दिख रहा है वो अंदर कैसा है। होली का त्यौहार है तो अपन उसको यूँ समझ सकते हैं कि जो सत्ता है उसमें देखिए अलग अलग रंगों के गुलाल हैं, गुजिया है, नमकीन है, टेबल के नीचे देखिए तो गांधी जी आराम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है, तो विपक्ष की भूमिका तो ये दरिया है जिसमें डूब कर जाना है, और आजकल कोई डूबना चाहता नहीं है। जो बुजुर्ग हैं वो अपना बुढ़ापा ठीक करने के लिए सत्ता में जाएंगे, जो युवा हैं उनको अपना भविष्य दिख रहा है, ऐसा कुछ बन गया है माहौल कि लोग सत्ता में जा रहे हैं उस रंग में मिल रहे हैं, अंदर कौन सा रंग है ये कौन बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर कौन सा रंग है ये कौन जानता है, कौन बताएगा, ये वाकई सवाल है। सोलंकी जी, धर्मेंद्र जी, वाकई होली में भी आप पहचान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हाव भाव से, लेकिन सियासत में पहचानना बहुत मुश्किल है, कौन क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है और कहाँ कौन जाने वाला है। नहीं, मगर कवि जो होता है वो समझ लेता है, पहचान लेता है। अभी तो मैं अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने गया था, तो एक युवा नेता की बात की आपने, तो एक युवा नेता मुझे वहां पर मिले, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने जो बताया वही आपके सामने रखता हूँ। इस चुनाव में साइकिल का पंचर बनवाना है, पप्पू के चक्कर में तो बिल्कुल ना आना है, फिर आजम की भैंस खो गई वो ढूंढवाऊंगा, बंगलों की टाइल्स टोटियां चट कर जाऊंगा, प्रयागराज को पुनः इलाहाबाद बनाना है, बर्बाद बनाना है, पप्पू के चक्कर में तो बिल्कुल ना आना है। तो इस तरह की तैयारियां साइकिल वाले, जो पंचर साइकिल वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो कहां तक जाते हैं।
बिल्कुल बड़ी बात है, कवि बहुत बड़ी बात कह देते हैं बहुत कम लाइनों में, कम शब्दों में। धनंजय जी, हम केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी अगर जाएं तो हाल फिलहाल के जो घटनाक्रम हुए हैं बहुत कुछ कहते हैं। जो कभी कहते थे कि अगर एक पैसा भी मैंने ले लिया तो मैं जेल जाऊंगा, आज वही कह रहे हैं कि भाई मैं तब आऊंगा जब आप मुझे कहेंगे कि ये गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये भाई ये भी, इसको भी आप होली के रंगों से जोड़कर देख सकते हैं प्रशांत जी, कि वाकई में ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा है। और कल मैं भी टीवी चैनल्स पे देख रहा था कि वो सज्जन जो है वो अधिकारियों के खिलाफ भी उनने अपनी इंटेलिजेंस लगा के रखी थी, जो अपने आप को कल तक के बहुत ईमानदार बताया करते थे। तो देखिए सियासत के रंग इस तरह के हो गए हैं आजकल, बिना दलाली बिना करप्शन के कुछ होता जाता है नहीं। अब अपन होली के रंगों से जोड़ करके उन बातों को भी देख सकते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज पिछले लोकसभा चुनाव में पंजे का निशान लेकर के वोट मांगने निकलते थे, इस बार जो है वो कमल का फूल लेके निकलेंगे जी। अब आप इसको अगर होली से जोड़कर देखेंगे तो जुमला ही नजर आता है, लेकिन है हकीकत। बिल्कुल ये हकीकत है। वैसे दल बदल का भी जिक्र कर दिया धनंजय सर ने, मैं थोड़ा सा एक शायर की नज़र से ज़रूर समझना चाहूँगा कि आखिर अचानक कैसे लोगों की भक्ति बदल गई, या हम कहें कि लोगों की भावनाएं बदल गई, विचार बदल गए, बस ये कि हित सर्वोपरि है। उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, दो रोज़ हमारे साथ रहो चेहरे पर चमक आ जाएगी। ईमानदार लोगों के साथ रहें, भले लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें तो ज़िंदगी ठीक रहेगी। हर वक्त बदलने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, अब इसमें ज़िंदगी के आसार भी नहीं है, तो हमारी तो गुजारिश लोगों के साथ ही है। हर वक्त बदलने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, मौसम का तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई सियासतदान का, राजनीतिज्ञ का प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है? हाल फिलहाल देखा होगा जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, सब लोग एक तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरफ बयार बह रही है उस तरफ सब लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य है वो पल पल बदलता है। अभी आपने केजरीवाल जी का भी जिक्र किया, तो किस तरह से अन्ना हजारे मूवमेंट जो चला था उस समय, वो जिन भ्रष्टाचार और शराब और इसके खिलाफ पूरा आंदोलन था, और उसी मामले में उलझ के वो आज कानून के शिकंजे में आ गए हैं। परिस्थिति के अनुसार सब अपने अपने हित के अनुसार उसको ढाल, हर तर्क को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं और उसका जनता के सामने उसको सही साबित करने का प्रयास लगातार करते हैं। अंजुम जी कह रहे थे अभी कि भाई बदलने वाले चेहरों के साथ मत रहा करिए, लेकिन यहाँ तो चेहरे हमारे ख्याल में शायद इतने बदल गए, और कब फिर कौन सा रंग बदल लें या कौन सा रंग ले लें भरोसा नहीं। देखिए अब तो मौसम ही बदलाव का है, अंजुम जी ने तो बोला कि मौसम पल पल में बदल रहा है, केवल राजनीति का नहीं। इस चुनाव में जो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें थी, सीटें घट भी सकती हैं बढ़ भी सकती हैं, ये तो दावे से अभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन एक बात जरूर तय है, ईडी चुनाव में उतर आए तो मैं ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि 29 में से 30 सीटें ईडी जीत जाएगी, और हो सकता है कि केवल कांग्रेस ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी मैदान छोड़कर भाग जाए। जी चलिए ये बड़ी बात कह दी है, टीएन शेषन ने बताया था कि आखिर चुनाव आयोग क्या होता है, नई सरकार ने बता दिया ईडी क्या होती है। सब ईडी पर जरूर एक छोटा, मैं आपको ले चलता हूँ जिस समय वो गिरफ्तार हुए उससे थोड़ी देर के पहले घर का क्या माहौल था। केजरीवाल जी बैठे हुए हैं और क्या दोहरा रहे हैं जी, कैसे कहूँ मैं ईडी ने मेरे मंत्री बंद कराए, यूं पढ़वाए उन पर छापे बाहर ना आ पाए, मफलर दे दो ना जाने कब ईडी मुझे ले जाए। और वो ले ही गए। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बार बार बात हो रही है कि लोग चले जाते हैं दल बदल लेते हैं, लेकिन जिस संगठन में आप हैं ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर छोटा कार्यकर्ता है तो वो जिस विचार के साथ आपके साथ आया है, जिस विचार के लिए लड़ने के लिए, उस विचार को आप मजबूत कीजिए। अगर कांग्रेस से अनेक लोग भाजपा में जा रहे हैं तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। ईडी पर थोड़ा सा और जरूर कहूंगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, कम से कम एजेंसियां थीं, शायद हम कहें कि बहुत सारे ऐसे मामले थे जो बाकी एजेंसियों से ऊपर हो जाते थे, कम से कम ईडी कुछ लोगों के असली रंग तो सामने ला रही है कि सरकारी एजेंसियों का सरकारें दुरुपयोग करती रही हैं, ये बात सही है पहले, लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है एजेंसी का, इस बात को मैं नहीं मानता। भाई केजरीवाल के खिलाफ में कुछ ना कुछ तो एविडेंस रहे होंगे जब ईडी ने उसको गिरफ्तार किया है, कोर्ट ने पूछा था ईडी से आप बताओ सबूत किस आधार पर आप गिरफ्तार करना चाहते हो, उन्होंने
खुद कोर्ट को बताया, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की, कुछ ना कुछ एविडेंस में दम रही होगी प्रशांत जी, तब जाकर तो सियासत का ये अंदर का रंग बाहर आ गया। निश्चित तौर पे जिस केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक बड़ा चेहरा बनाया था, आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो पूरा देश देख रहा है। एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, पार्टी मिला रहे हैं। एजेंसियों का जो काम है वो तो अपने अपने गति से वो कर ही रही है, लेकिन उसका प्रमाण जो मिल रहा है वो ये कि कोर्ट भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सिर्फ एजेंसी अपने आप अगर दुरुपयोग होता है तो उसको कहीं ना कहीं से उसका आधार भी तो होना चाहिए, उस आधार पे खड़ा है वो, तो कोर्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यदि न्याय उस पक्ष में है तो उसको पूरी तरह से आप गलत भी नहीं कह सकते। कश्मीर का उदाहरण देता हूँ, चार पंक्तियां कहता हूँ कि पत्थरबाजों के चेहरे पर ऐसे काली खमली गई, एक फैसले से हर आतंकी की इच्छा छली गई, और जिसने लूटा और जलाया कश्मीर की जन्नत को, वही 370 मरकर जहन्नुम में चली गई। और जो बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बात महज ईडी की नहीं है, दूसरे जो क्रियाकलाप हो रहे ही लोग थे। 370 खून बहाती थी तो अच्छा लगता था, अपनी सेना पत्थर खाती थी तो अच्छा लगता था, कभी हुर्रियत, कभी गिलानी, और कभी वो महबूबा पाकिस्तान को गले लगाती थी तो अच्छा लगता था, और जो आज हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हमें हमारे अंतस में झांकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि ये नए जमाने का भारत है, इसके साथ आपको चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जब बात धारा 370 की भी हो गई तो सीए की भी बात कर लेंगे, यूसीसी की बात भी कर लेंगे। क्या ये बड़े मुद्दे सियासत के रंग बदल रहे हैं, राजनीतिक दलों के चेहरे उजागर कर रहे हैं? 370 को खत्म करने का विरोध कौन कर रहा है, सीए का विरोध कौन कर रहा है? ये वही लोग हैं जिनने हमारे देश में अकबर को महान बताया और महाराणा प्रताप को पढ़ाने से पीढ़ियों को दरकिनार रखा। वो महाराणा प्रताप जो 550-600 साल पहले मुगलों के खिलाफ में पहली लड़ाई लड़े थे, आज उनको पढ़ाए जाने की जरूरत है कि अकबर को पढ़ाए जाने की जरूरत है प्रशांत जी? तो अगर हमारी सरकार उस 500-600 साल पुराने सपने पर काम कर रही है तो कौन सा गलत कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। तो सियासत भी रंग बदल रही है, सियासत के साथ धारा भी बदल रही है, एजुकेशन पॉलिसी भी बदल रही है, सभी बदलेगा धीरे धीरे, समय के साथ सब बदलता है। और जब नेता में जुनून हो जी बदलने का, कुछ करने का, तो ये बदलाव तो होते रहेंगे। कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं तो बहुत सी अच्छी भी होती हैं, इसीलिए लोग इस पर चल भी रहे हैं, इसे मान भी रहे हैं। बदलने का दौर है, बदलता रहेगा, बदलना भी चाहिए। अब उम्मीद ये करना चाहिए कि जो बदलाव हो वो अच्छे के लिए हो और लोगों को अच्छा लगे, उनको फायदा हो। बिल्कुल, एक बात आपको और ध्यान देना चाहिए जी, कि हिंदुस्तान की सरकार वही सरकार है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी अफगानिस्तान में। ये कितना बड़ा बदलाव है हमारी विदेश नीति का, ये वही बदलाव है जो महाराणा प्रताप के जमाने में अफगानों ने महाराणा प्रताप का साथ देकर किया था। तो ये वही दोहरा हो रहा है प्रशांत जी, बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं धनंजय प्रताप सिंह जी। अक्षत जी, थोड़ा सा इस ओर जरूर रोशनी जरूर डालें, होली के सियासत के दोनों को रंगों को मिलाते हुए, कि भाई वाकई बदलाव का दौर है, जो एक कलर छुपा दिए गए थे हमारे लोकतंत्र के, हमारे हम कहें आत्मा के, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो उस और अब देश बढ़ चुका है जी। आपने प्रधानमंत्री के उद्बोधनों में सुना भी होगा कि उन्होंने कहा है, जब वो 400 पार की बात करते हैं तो 400 पार की बात किसी उद्देश्य को लेके ही करते हैं, कि आप अगली बार जो है अगले 5 साल में किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रही है जी। तो वो बड़ा बदलाव जो है वो हम अगले 5 सालों में, मतलब हम मोदी जी की किसी बात को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सरप्राइज एलिमेंट उनकी हर निर्णय में रहता ही है, तो वो क्या बदलाव होगा वो समय भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो उस बदलाव की ओर वो इशारा कर रहे हैं, जिस राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव, जिसको कि वर्षों तक भारत ने भुलवा दिया गया था उसको डेलिब्रेटली कुछ लोगों द्वारा, उसको पुनः अपने राष्ट्रभाव को जागृत करने का समय अब आ गया है। हमें अपने आप को पहचानने का, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को पहचानने का समय आ गया है, और आने वाले समय में भारत के विश्व में जो आज भारत की स्थिति बनी है जी, वो किसी से छुपी नहीं है। कितनी मजबूत स्थिति में आज विश्व में अपने आप को रख पा रहा है वो, और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने आप में भारत विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेगा, इस ओर ही यह जो समय की धारा चल रही है वो इस ओर ही इशारा कर रही है। बिल्कुल ठीक है। क्या शायर मन, अंजुम जी, क्या शायर मन इत्तेफाक रखता है जो बड़े बदलाव देश में इस वक्त हो रहे हैं? मोदी जी का नाम ही बदलाव जी, है जी। मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं जी, जो लोग आज सोचते हैं वो आगे 10 साल बाद के लिए सोचते हैं जी। उनको आसानी से जज करने वाले अब है नहीं जी। जैसे भाई ने भी कहा कि जिन चीज़ों को उन्होंने डिस्कवर किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया,
जितने हमारे गौरव राष्ट्र के धरोहर गौरव लोग नाम रहे हैं उनको डिस्कवर करने सबसे ज़्यादा काम, और जो पहचान पूरी दुनिया में हमारी इस वक्त है इससे पहले कभी नहीं थी, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाता है। मेरा एक शेर है जो उन्हीं को सामने रख के लिखा गया है, खैर हो खैर कई रोज से कुछ मोम के लोग, खैर हो खैर कई रोज से कुछ मोम के लोग जिद किए बैठे हैं सूरज को बुझाने के लिए। ये सियासत से बिल्कुल अलग बात है, हम जाती तौर पर किसी चीज़ को नापसंद कर सकते हैं, उनकी कोई मुखालफत कर सकते हैं, मगर इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो नक्शा आज हिंदुस्तान का है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को उसका क्रेडिट जाता है। पूरी दुनिया जो ऐसे हैरत से देखती है हमारे मुल्क को, इससे पहले कभी नहीं देखती थी, ये क्रेडिट उस आदमी को जाता है और इसकी मुबारकबाद देना ही चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे रहे हैं अंजुम साहब। धर्मेंद्र जी, बहुत सारी बातें हैं, एक एक बहुत बड़ा मसला ये है, गठबंधन पर अभी बात नहीं हुई, गठबंधन पर कभी लाइन नहीं आई है, आखिर गठबंधन की सियासत देश में कैसे परवान चढ़ रही है और उसका हश्र क्या देखते हैं? उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सियासी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो अपने संगठन में खुश नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो जो उनके सर्वे सर्वा हैं वो रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, वो मात्र विरोध विरोध राजनीति विरोध से नहीं होती है, बदलाव की बात चल रही है, हम नाम बदलने का विरोध कर लेते हैं, अरे जिस संस्कृति से हमारी पहचान है उसका नाम रखने में क्या हर्ज है? एक देखिए, एक उदाहरण मैंने लिया है, ऐसा ही होली का माहौल जमा हुआ, योगी जी का दरबार लगा हुआ है, वहां पर कुछ नाम अपने आप को बदलने के लिए आए हैं कि हमें बदल दीजिए क्योंकि हम इस नाम से परेशान हो गए। एक हाथ से कभी कैसे लेता है सुनिएगा, कि योगी जी के दरबार में खड़े थे नाम कुछ बोलते थे अर्जी कबूल कर दीजिए, एक टूटी साइकिल धूल में सनी खड़ी थी बोले मेरा नाम आप धूल कर दीजिए, एक बहन जी का हाथी दुबला हुआ खड़ा था बोले लोग भूले मुझे भूल कर दीजिए, एक नाम मार के दहाड़े खूब रो रहा था बोला मुझे पंजे से फूल कर दीजिए। तो ये अपने नामों की व्यथा है, कार्यकर्ताओं की व्यथा है। तो वास्तव में अगर किसी पार्टी की विचारधारा से किसी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उन संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि वो आपके कार्यकर्ताओं के हौसले पर खड़े नहीं उतर रहे, उनका हौसला नहीं बना पा, बिल्कुल हौसला नहीं बना पा रहे हैं। हम अंतिम चरण में अपने कार्यक्रम के, दिल्ली बैंस जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई सियासत और होली जो रंग, जैसे होली में भी बहुत सारे रंग होते हैं, सियासत में भी बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि होली के रंगों को भी सियासत के रंग फेल कर देते हैं। देखिए, आजकल नकली चीज ही असली चीज को रिप्लेस कर देती है। होली के रंग तो असली है, सियासत नकली है, सियासत में भरोसा बचा नहीं है। होली के रंगों में आज भी भरोसा है कि दिन लग जाएगा तो चार दिन उतरेगा नहीं, रंग पंचमी तक चलेगा, भोपाल का कलर है ये। तो निश्चित तौर पर सियासत और होली दोनों एक साथ जरूर आए हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि सियासत का रंग अब कच्चा हो चुका है, होली का रंग तो वही है जो पहले था। सियासत का रंग भले ही कच्चा हो जाए लेकिन होली का रंग पक्का है, और इस पक्के रंग में आप फिर सराबोर होइए न्यूज 18 के साथ, और न्यूज 18 की तरफ से आप सभी को, सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बधाई। न्यूज 18 में आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। लोकसभा चुनाव इस वक्त चर्चा में है और कुछ ही दिनों में वोटिंग शुरू हो जाएगी, मुद्दे गरमाने लगे हैं और इन मुद्दों के बीच में होली का मौसम भी है, तो होली और चुनाव का आपस में मेलजोल होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आज हमारे साथ खास जो मेहमान हैं उनमें पूरे प्रदेश के नब्ज को टटोलने वाले वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो होली के रंग के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल समा बांधने वाली हमारे साथ कवियत्री भी हैं। उर्मिला जी भी हमारे साथ है। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है, मैं चाहूंगा कि आपकी कविता के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ। सभी को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी चर्चा में विषय है कि अभी चुनावी चर्चा है, सब तरफ चुनावों का रंग है और होली का जो रंग है वो चुनावों के साथ भी मिला हुआ दिखाई दे रहा है। एक गीत होली का छोटा सा प्रस्तुत करती हूँ, एक बंद के साथ उसके दो अंतरे। सब मिल खेले फाग बरसे रंग होली में, सब मिल खेले फाग बरसे रंग होली में,
होली में, होली में बरसे रंग, होली में सबकी पोशाकें हुई सतरंगी, सबकी पोशाकें हुई सतरंगी, बेढंगी हुई चाल बरसे रंग होली में, बेढंगी हुई चाल बरसे रंग होली में, मन में चाहत वोटों की है, मन में चाहत वोटों की है, संग में लालच सत्ता का है, संग में लालच सत्ता का है, निकले हैं ने ताजी देखो, निकले हैं ने ताजी देखो, नोटों से भरी लेके गडरी देखो रंग होली में, होली में, होली में बरसे रंग होली में, होली में, होली में बरसे रंग होली में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। खास मेहमान हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी पैनी नजर होती है इन तमाम चीजों पर कि किस तरीके की चुनावी सरगर्मियां बन रही है। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रवि भोई जी हैं, और हमारे साथ है ई बी मुरली जी, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार होली के त्योहार के बीच में क्या चुनावी माहौल बन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रवि भोई जी से। रवि भोई जी, 3 महीने पहले हमने देखा है चुनाव किस तरीके से हुए हैं, सरगर्मियां थी, किसी को बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था, उसके बावजूद हालात ऐसे बने कि सरकार 5 साल बाद कांग्रेस की बदल गई, बीजेपी की आ गई। अब एक बार फिर से चुनाव पे हम जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इन लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा से इतर, या विधानसभा के मुद्दों की ही रिपीट टेलीकास्ट हम यहां देखेंगे? देखिए अभिषेक जी, विधानसभा में मुद्दे अलग थे और विधानसभा में कंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा कारण रहा है, जो लोगों को समझ में नहीं आया कि सरकार के विरोध में लहर चली। लेकिन लोकसभा में एक तो मोदी का है और राम लला का जो मंदिर की स्थापना हुई है, CAA कानून है, धारा 370 है, ऐसे सब, और सबसे बड़ा कारण मोदी का चेहरा है जो इस लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि 11 से 11 सीटें हम जीत लेंगे, लेकिन जो स्थिति है वो कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का। अभी आज की तारीख में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ सीटों पे तो मुकाबले की स्थिति में है, भले ही हार जीत की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन मोदी के आगे कांग्रेस की रणनीति कितनी काम आएगी ये देखना है। बिल्कुल, मोदी के आगे कांग्रेस की रणनीति कितनी काम आएगी। ईवी मुरली जी हमारे साथ है। मुरली जी, क्या आपको लग रहा है कि वही टेलीकास्ट जो विधानसभा के मुद्दे थे वही यहाँ रहने वाले हैं, या लोकसभा में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ अलग होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कई ऐसे चेहरों को खड़ा किया है जो लोकसभा में पिट चुके हैं? अभिषेक जी, जिस तरह से चुनाव का नतीजा सामने आने वाला है लोकसभा का, ये हो सकता है कि बड़ा आश्चर्यचकित कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो तुर्प का गुलाम है वो है मोदी, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो आज इस वक्त सबसे ट्रस्टवर्थी चेहरा है। इस चेहरे का मुकाबला के लिए कांग्रेस हो या इंडी अलायंस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। तो मोदी का जो चेहरा है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। उस चेहरे को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूरी से अपने फेवर में ला पाता है, और छत्तीसगढ़ में खासकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी का जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, हर बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां लोकसभा चुनाव जीते हैं, और लगभग 10 में से 9 इस तरह से सीट जीतते आ रही है जब से छत्तीसगढ़ बना है। तो ये जो मार्जिन ऑफ विक्टरी है इसको कायम करते हुए विष्णुदेव साय की सरकार का जो 3 महीने का उनका कार्यकाल हो चुका है, तो एक क्लीन स्वीप का उम्मीद उन्हें है।
यदि वो क्लीन स्वीप कर पाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके पर्सनली उनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो पिछले असेंबली चुनाव में जो हताशा हुआ है, लेकिन वो एक एक कमबैक की तैयारी कर रही है। और जिस तरह से चुनाव हारने के बाद भी ताम्रध्वज साहू और दो और चेहरे वो लाए हैं सामने, उसे ऐसा लगता है कि वो अब बड़े चेहरों को सामने लाकर यहाँ पे एक चेंज लाना चाहता है और अपने विक्ट्री को इंश्योर कराना चाहती है। बिल्कुल। तो केके शर्मा जी, जैसा कि मुरली जी बोल रहे हैं कि कम बैक करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, बड़े चेहरों को लाया जा रहा है, लेकिन एक चर्चा ये थी कि ऐसे चेहरों को भी ढूंढा गया जो कम से कम खर्च कर सके वहां पर, और तमाम बड़े चेहरों को इसीलिए न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में उतारा गया। क्या 3 महीने पहले जिन चेहरों को नकारा गया, आपको लगता है वो चेहरे कारगर साबित होंगे कांग्रेस के लिए, कमबैक कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े चेहरों को फिलहाल टिकट दी है कहा जा सकता है। भूपेश बघेल की बात करें, ताम्रध्वज साहू की बात करें, या जो कृष्णा महंत जो चरणदास महंत की पत्नी है, अब बचते हैं टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में 4 बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार 2018 में माने जा रहे थे, अब टीएस सिंहदेव को क्या 11 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि दीपक बैज स्वयं अपनी टिकट के लिए भिड़े हुए हैं बस्तर में। यदि वो भी चुनाव लड़ते हैं तो एक सामंजस्य की स्थिति, जो कार्यकर्ता लगातार मुखर होते जा रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए चिंता कांग्रेस ही बनती जा रही है। एक बात आपने पैसे को लेकर कही, जो राष्ट्रीय स्तर पर बात कही जा रही है कि प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, इसके पीछे भी कारण पैसे को बताया जा रहा है कि क्योंकि खर्च शुरू हो जाएगा, मीटर घूमना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम देरी से प्रत्याशी घोषित करेंगे, ये भी एक बात कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं एक निराशा की बात आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं के आप स्थिति देखेंगे तो एक निराशा का भाव आ गया था, उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन अभी तक के यही स्थिति छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रही, जिसके चलते आप देखेंगे राजनांदगांव में को लेकर के बात करें, और जिस तरह से सुरेंद्र दाऊ का जो बयान लगातार चल रहा है, उसके बाद फिर शुक्ला जी ने जिस तरह से बात कही है, भ्रष्टाचार को लेकर बात कह दी, सीधा भूपेश बघेल पर हमला किया है। तो आप देखिए, होली के मौसम में भी आप देखेंगे तो लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बात आ रही है कि क्या इस प्रकार से कार्रवाई और हो सकती है, ईडी में FIR या EOW में दर्ज हो चुका है भूपेश बघेल के खिलाफ। तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से जनता का विषय है। अब भ्रष्टाचार जनता का विषय है, इसमें जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, विपक्ष के नेता टारगेट पे हैं अभी, तो आने वाले समय में देखना है क्या लोकसभा चुनाव में ये किस ओर जाता है, क्या सहानुभूति के रूप में भी आ सकता है कि जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हो या भूपेश बघेल के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई, ये तमाम प्रकार के विषय है। लेकिन कांग्रेस को खुद को मजबूती, मैं बार बार कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। 35 विधायक हैं, 43% और पिछले विधानसभा चुनाव में मिला है, मात्र 3% की गिरावट है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो भाजपा 50% से ज्यादा थी, तो 40% से ज्यादा कांग्रेस का वोटिंग परसेंट था। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्थिति कमजोर नहीं है, लेकिन उसको सीटों में कितना तब्दील कर पाते हैं, जैसे मुरली जी अभी कह रहे थे कि अभी तक एक एक सीट जीत, राज्य निर्माण के बाद महासमुंद से अजीत जोगी की बात कर लें, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू की बात कर लें, और चरणदास महंत एक एक सीट ही जीत पाते, और पहली बार ऐसा रहा 2019 में कि 2 सीट इनको मिली है। क्या इनको आगे बढ़ा पाते हैं, और जो भाजपा ने पहले प्रत्याशी घोषित किया है उसका लाभ लेते हुए किस तरह से प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर। रवि भाई जी, भूपेश बघेल लगातार निशाने पर आ रहे हैं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री थे, 5 साल दारुंदार उन पर था, हार के बाद ये भाजपा तो निशाना साध ही रही है, और जो जैसा कि बात हो रही है कि लेटर बम या और भी बाकी लोग उन पर निशाना साध रहे हैं, भूपेश बघेल क्यों निशाने पर आ रहे हैं, सबके अंदर हो या बाहर? देखिए अभिषेक जी, 5 साल में भूपेश बघेल अकेले चलते रहे हैं, और जब एक समन्वय की बात आती रही है तो वो अपनी चलाते रहे, चाहे संगठन में हो सरकार में हो, संगठन में भी उन्होंने अपने आदमी को रखा और चलाया, और जब विवाद की स्थिति हुई मरकाम को लेकर तब भी उन्होंने कहा, तो कहीं न कहीं ये रहा कि 5 साल की सत्ता में ये कहा जाता रहा कि सारे फैसले सीएम हाउस से होते रहे और कार्यकर्ताओं से वो दूरी बना के रखें। यही वजह रही कि कुछ अधिकारियों के चलते या कुछ अपने लोगों के चलते वो सारे फैसले लिए, इसलिए कहीं न कहीं कार्यकर्ता नाराज रहे, उससे कटे रहे, अपनी बात नहीं रख पा रहे, और जब सरकार से उतर गए या सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस, तो निश्चित तौर से इस सब के लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार भूपेश बघेल को मानते थे। और ये देखिए, सार्वजनिक मंच में ये बात हो रही है कि आपने लोगों से नहीं मिले, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात सामान्य तौर से नहीं आती, लोग उनको टिकट
नहीं देने की बात कर रहे हैं, राजनांदगांव से प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से भूपेश बघेल की जो 5 साल में कार्यप्रणाली रही, नीतियां रही, उसके कारण वो निशाने पे आ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के निशाने में भी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज, तो वो दोनों तरफ से उन पे आक्रमण हो रहा है, कांग्रेस के भीतर से भी और बाहर से, और ये उनकी नीतियों के कारण, उनकी कार्यशैली के कारण ऐसा हो रहा है। यदि सबको साथ लेके चलते तो आज ये स्थिति उनको देखना नहीं पड़ता। मुरली जी, स्लीपर सेल की बात भूपेश बघेल ने कही, तो ये स्लीपर सेल क्या पार्टी के अंदर भी इशारा उनकी ओर है? क्योंकि खींचतान कई बड़े नेताओं के साथ उनकी बहुत चर्चा में रहती है, तो ये मार ना सिर्फ भाजपा की तरफ से बल्कि अंदरूनी मार भी पड़ रही है, ऐसा भी मान रहे? भूपेश बघेल का ये जो कथन है, ये मुझे लगता है कि पूर्णतः बाहरी लोगों के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है वो, बल्कि उनके जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो उनको निशाना बना रहा है, उनकी ओर भी इशारा कर रहा है। भूपेश बघेल अगर आप देखेंगे 2018 के पहले का जो भूपेश बघेल है, वो एकमात्र ऐसे नेता थे जो कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर लिया था, जिस वजह से कांग्रेस, वो उनके और सिंहदेव के जो कॉम्बिनेशन था उसके चलते कांग्रेस उस समय असेंबली इलेक्शन जीतकर सत्ता पे आई थी। लेकिन सत्ता पे आने के बाद जिस तरह से उनसे उम्मीद थी सबको लेकर चलने का और जिस तरह से सरकार को आगे बढ़ाने का, तो उस तरह का कोई किसी तरह का काम शायद नहीं हो पाया, वो शायद विफल रहे पूरे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलने में। और एक कोटरी जो है, वो कोटरी पूरा शासन पर प्रभावित करने लगा, जिस वजह से भूपेश को इस वक्त जिस तरह से भी मार खानी पड़ रही है, वो यही कारण है। लेकिन भूपेश वैसे नेता बहुत दमदार है, कांग्रेस का एकमात्र ऐसा नेता है जो दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के 2018 में उनके खिलाफत किया है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के सरकार के बाद जिस तरह से वो घिर गया है, उसे लगता है कि उनकी जो कोटरी का जो प्रेम था और जो लोगों को जो उन्होंने दूर किया, उसका परिणाम शायद उनको भुगतना पड़ रहा है अभी। भोई जी, क्या ये माना जाए कि भूपेश बघेल को पहले उनकी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़वाने की, फिर चुनाव लड़वाया गया, अब चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के अंदर से अटैक किया जा रहा है, क्या उनको प्रदेश में घेरने की कोशिश है कांग्रेस के नेताओं द्वारा? देखिए अभिषेक जी, पहले तो भूपेश बघेल का नाम चला रायपुर से चुनाव लड़ने की बात, क्योंकि एक बार वो लोकसभा चुनाव रायपुर से लड़ भी चुके हैं, हालांकि उन्होंने अनिच्छा भी जताई, कही थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने शर्त रखी थी कि मुझे, मैं मुख्यमंत्री हूं तो मुझे 11 सीटों पे मेरा इस्तेमाल किया जाए जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री रहे हैं और आप चुनाव लड़े, तो दूसरी बात, कांग्रेस के पास बड़ी समस्या है कि फंड की समस्या, तो इसलिए आप देखेंगे जिनके पास फंड था, जो चाहे शिवडेरिया हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, चाहे ज्योत्सना महंत हो, या फिर और दूसरे नेता, और बात भी चल रही है कि अमरजीत भगत को भी लड़ाया जाए, तो इस तरह जो चीजें आ रही हैं सामने कि जिनके पास फंड है, तो इसलिए भूपेश बघेल को इसलिए भी लड़ाया गया कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और धन उनके पास है तो व्यय करेंगे, और आज सबसे ज्यादा चुनाव में ये फंड की ज्यादा जरूरत हो, और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए फंड ज्यादा जरूरी है, इसलिए भूपेश बघेल को ये कहा गया चुनाव लड़े। तो भूपेश बघेल ने अपनी पसंद की सीट राजनांदगांव को चुना, उनको लग रहा राजनांदगांव सेफ सीट है, इसलिए अनिच्छा के बावजूद उन्होंने हाईकमान का आदेश हुआ इसलिए चुनाव लड़े और राजनांदगांव को चुना। तो हम शर्मा जी फिर से माने कि भूपेश बघेल के पिछले 5 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरे के या उनका कार्यकाल, ये आमने सामने है चुनावी मुद्दे के तौर पे? देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी जागरूकता का परिचय दे चुका है कि 2018 में आप देखेंगे 70-71 सीट आने के बाद जो है 2019 में भाजपा 9-2 की स्थिति आ जाती है लोकसभा चुनाव में। जी, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में अभी देखेंगे, जैसे ही मुद्दे की बात आती है, मोदी की गारंटी की बात आती है, घोषणा पत्र के पहले तक सभी कह रहे थे कि कांग्रेस की वापसी होने वाली है, हम यही चर्चा किए थे, लेकिन बाद में घोषणा पत्र जैसे ही मोदी की गारंटी आती है, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम प्रकार की योजनाएं जिस तरह डायरेक्ट बेनिफिट को लेके आते हैं, उसका लाभ भाजपा को मिलता है और 54 विधायकों के साथ भाजपा यहां सत्ता में है। अभी जो स्थिति बन रही है, इसी को, डायरेक्ट बेनिफिट को कांग्रेस एक आधार बना रही कहा जा सकता है, जिस तरह से वो गारंटी महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कहें या युवाओं को 50%
महिलाओं को रोजगार देने की बात करें, 30 लाख नौकरियों की बात करें, तमाम जो मतलब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये प्रमुख विषय है, इसको लेकर के भाजपा की ओर से घोषणा पत्र आया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह नेतृत्व की कमी दिख रही है नरेंद्र मोदी के सामने, उसके लिए उनके पास मुद्दे एक महत्वपूर्ण है, और मुद्दों के आधार पर यदि जनता के बीच जाते हैं तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को लाभ मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर मतदान कर रही है, चेहरे के बजाय, ये स्पष्ट हो चुका है। जी ठीक है, मुद्दों के आधार पे जनता वोट करेगी यहाँ पर। मुरली जी, क्या अभी 3 महीने की हालांकि सरकार है और मोदी की गारंटी को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, ये मोदी की गारंटी जो विधानसभा में भी काफी उठा था, और मोदी की गारंटी शायद मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ जो कि अब देश भर में इस्तेमाल हो रहा है, तो मोदी की गारंटी राज्य सरकार की परफॉर्मेंस पर भी कुछ वोटिंग होगी या लोकसभा बिल्कुल अलग ही मुद्दे पे होगा? अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है मोदी की गारंटी जो पिछले लोक असेंबली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो उभर कर आया था, आप देखेंगे उसका प्रभाव इतना बड़ा है कि कांग्रेस भी अब गारंटी की बात कर रही है। 5 न्याय और 25 गारंटी, ये उनका मैनिफेस्टो की जो अभी उजागर करने वाला है उसमें इनका एक गारंटी की भी बात वो कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो गारंटी है इस लोकसभा चुनाव में गारंटी का ही प्रभाव होगा, सारे रिफ्लेक्शन गारंटी पर होगा। तो किसकी गारंटी कौन ट्रस्टवर्थी है, मोदी या कांग्रेस, ये आने वाले इस चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। और रही बात विष्णुदेव साय सरकार का, 3 महीने का कार्यकाल बड़ा कम समय होता है किसी सरकार को आंकलन करने का, और छत्तीसगढ़ की जनता 3 महीने का जो ये जो 100 दिन का जो कार्यकाल है उस पर किसी तरह का कोई आंकलन नहीं करेगी। उनको जो बड़े मुद्दे है, देश का जो मुद्दा है, उस पर जाकर वो चुनाव, इस बार चुनाव में वोट डालेंगे। और उसमें जो बेहतर कैंडिडेट, यदि वेव भी होगा तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में मोदी का वेव भी जब रहा है तब भी ताम्रध्वज साहू ने जीता है दुर्ग से लोकसभा। तो मुझे लगता है कि यदि कैंडिडेट आपका मजबूत हो और आप बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लोगों को प्रभावी ढंग से आप अपनी बात रख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी टक्कर देने की स्थिति में है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, कांग्रेस भी टक्कर देने की स्थिति में है। हालांकि जब यहां पर चुनाव हुए थे विधानसभा के तो बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, आज भी क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी का यहाँ पर है। रवि भोई जी, अगर मैं मुद्दों की बात करूँ, आपको क्या लगता है ऐसे 4-5 कौन से मुद्दे होंगे जो इस लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं? क्या मोदी का चेहरा या भूपेश बघेल का पिछले कामकाज का चेहरा रहेगा या वाकई और किसी मुद्दों पर चर्चा होगी, व्यवहारिक तौर पर जनता किसी मुद्दे पर वोटिंग करेगी या सिर्फ चेहरा ही उसके लिए बहुत अहम होगा? देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो नरेंद्र मोदी का चेहरा ही रहेगा, उसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, जो नागरिकता संशोधन कानून है वो भी एक मुद्दा रहेगा, इसके अलावा जो मोदी गारंटी में वो इस सरकार ये तो करेगी, लोगों को प्रभावित करेगी कि मोदी जी ने जो विधानसभा में गारंटी दी थी, जो घोषणाएं की थी, उसका अमल इस सरकार ने 3 महीने के भीतर कर दिया। चाहे वो किसानों का धान 31 रुपए में खरीदने का हो, 21 क्विंटल में खरीदने का हो, 2 साल का बोनस देने की बात हो, महतारी वंदन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, तो ये लोगों के बीच बताए जाएगी। फिर उसके बाद 10 साल के जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है, चाहे वो पुलवामा की घटना हो या फिर स्ट्राइक की बात हो, और जो काम उन्होंने किया है वो सारे चीजें बताए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मोदी का चेहरा और उसके सामने इंडिया अलायंस क्या कर रही है, क्या चेहरा। तो लोग अभी मोदी के सामने इंडिया अलायंस का कोई चेहरा देख नहीं पा रहे, इसलिए मोदी का चेहरा लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। बोलिए जी, आपका क्या अनुभव, बोल रहे क्या प्रेडिक्शन है अगर आज चुनाव हो जाते हैं? चुनाव का बात यदि करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने 11 के 11 उम्मीदवार का नाम सामने ला चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 6 नाम लाना है। तो जब तक ये पूरा नाम डिक्लेयर नहीं करती तब तक कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 5 नाम डिक्लेयर किए उसमें कम से कम 2-3 सीट पर तो ये बिल्कुल, अगर बहुत जैसे भोई जी और शर्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छे ढंग से अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये 3 सीट जीतने की स्थिति में है आज के डेट में। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी आप सभी को। होली के मौसम के बीच चुनावी मौसम भी है और इस चुनावी मौसम को लेकर कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि आखिरकार
पिछले जो अगले 2-3 महीने हैं वहाँ पर क्या मुद्दे हैं जो चुनावी जो शमा है उसको बांध के रखेंगे, कौन से मुद्दे हैं, कौन से नेता हैं जो चर्चा में रहने वाले हैं, और क्या हो सकता है इन 11 सीटों पर, क्या समीकरण हो सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, कई अहम मुद्दों पर हमने चर्चा की। खास पेशकश में इतना, नमस्कार।